अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फजल अब्बास और आप मेरा देख रहे हैं चैनल मिक्स अचार। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, व्लॉग शुरू करने से पहले आपको मैं अपने विलेज का व्यू दिखाता हूं। ये मेरा विलेज बहुत ही खूबसूरत विलेज है, ये देखें। यह अभी हमारे इलाके में सनराइज हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। आज पूरा दिन मौसम ठंडा रहा, सुबह सुबह गर्मी थी लेकिन अभी मौसम बहुत ठंडा है। फिर ये देखें, बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं। यहाँ हमारे इलाके का ये ग्राउंड है, यहाँ बच्चे शाम को आके क्रिकेट खेलते हैं। ये फसल हमारी तैयार है, घास है। बात करें मेरी एजुकेशन की तो मैं अभी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। सेकेंड ईयर का मैंने दाखिला दे दिया है। सेकेंड ईयर करने के बाद मेरा इरादा है कि मैं बड़ा एक यूट्यूबर बनूं। हर इंसान का एक बड़ा ख्वाब होता है और मेरा यही बड़ा ख्वाब है कि मैं एक बड़ा यूट्यूबर बनूं। इंशाल्लाह मैं ज़िंदगी में आपको करके दिखाऊंगा। आपने बस मेरा साथ देना है, मेरे साथ चलना है। आपने हिम्मत नहीं हारनी और मैंने भी हिम्मत नहीं हारनी। अभी हम जा रहे हैं खेलने, अभी मेरा भी टाइम हो गया है खेलने का। अभी साथ चलते हैं, मेरे साथ आए, आपको दिखाते हैं खेल। आगे चलें, आगे चलें, आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ही प्यारा सा व्यू है, यहाँ पे देखें कितना बड़ा ग्राउंड और ज़बरदस्त ये प्लेन है। असल में यहाँ पर उगाई जाएगी चावल की फसल, क्योंकि अब पाकिस्तान में ना मौसम है, यहाँ हमारे इलाके में चावल काश्त करने का मौसम शुरू हो गया है। तो ये ज़मीनें बनाई हुई हैं हमने, फिर यहाँ पे एक दो दिन या एक हफ्ते के बाद हम चावल की फसल उगा देंगे। बात कर रहा था आपसे कि मेरा खेलने का टाइम हो गया है। अभी चल रहे हैं, हम जा रहे हैं खेलने के लिए। आगे देखें, ये प्यारा सा व्यू है, बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू है यार। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए, अल्लाह ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। इंसान हमेशा अल्लाह का, इंसान को हमेशा अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। लोग गैस करें ये कौन सी फसल है। ये है ज्वार की फसल, ये काऊ वगैरह के लिए होती है, गाय वगैरह समझ लें आप। आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो इसे गाय वगैरह या बकरियां वगैरह खाती हैं। सामने मेरा एक दोस्त भी आ रहा है, इसका नाम हाफिज इमरान है, अभी आलम दीन बन रहा है वो। ये क्या है, ये देखें, ये मेरे पीछे है क्या, आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये है भू, इसे सरायकी में भू कहते हैं, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं। असल में मैं हूँ ही सरायकी, मेरी मादरी जबान सरायकी है। मैं मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा